दोस्तों आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आईपीओ में अप्लाई करते हो तो हम लेके आए हैं 2024 का दूसरा आईपीओ जो कि कंपनी दूसरी बार आईपीओ लाने की प्रोसेस कर रही है 2021 में भी कंपनी ने आईपीओ लाने की प्रोसेस की थी पर मार्केट कंडीशन को देखते हुए फिर कंपनी ने आईपीओ पी कैंसिल रखा देखो अब कम किस आई की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड की जो कंपनी है वो करती क्या है तो इंश्योरेंस कंपनियों को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करती है यानी कि हम लोग आम लोग यानी कि हम सब लोग फिर हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी इन सब के बीच की एक चैनल क्रिएट करती है तो एक चैनल की तरह प्रोवाइड करती है सर्विस हम सबके बीच की क्योंकि हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो सीधा कंपनी के पास नहीं जाते जो उनकी प्रोसेसिंग सिस्टम होती है उसके पास जाते हैं तो ये वही काम करती है यानी कि हमारे और इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल इन सब के बीच एक चैनल प्रोवाइड करती है अब कुछ डेट की बात कर लेते हैं यानी कि हम आज जिस दिन वीडियो बना रहे हैं उस दिन इनके जी की बात करें तो थर्टी है जैसे जैसे आई ज़्यादा सब्सक्राइब होगा और जैसे जैसे आई की डेट करीब आएगी ये बढ़ता चला जाएगा ओपन डेट की बात करें तो पंद्रह जनवरी को ओपन होगा फिर क्लोजिंग डेट सत्रह जनवरी को और अलॉटमेंट डेट अठारह जनवरी को हो जाएगी लिस्टिंग डेट है इसकी बाईस तारीख ऐश्यू प्राइस की बात करें तो थ्री नाइन्टी सेवन से फोर वन एट पर इक्विटी सेल रहेगी अब हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल की यानी कि इसका फाइनेंशियल क्या रहेगा तो हम देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका एसेट किस तरह से बढ़ रहा है यानी कि एसेट को देखते हैं 2021, 2022 और 2023 का देखते हैं पाँच सौ पैंतालीस करोड़ है 2021 का 602 करोड़ है 2022 का और सात करोड़ है 2023 का यानी कि लगातार इनकी एसेट बढ़ रही है वहीं बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की तो तीन करोड़ फिर चार करोड़ और पाँच करोड़ दो में यानी कि टोटल रेवेन्यू भी इनकी बढ़ रही है और प्रॉफिट की बात करें तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी सेवन करोड़ है सिक्सटी फोर पॉइंट ट्वेंटी टू करोड़ दो हज़ार बाईस में है और सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर करोड़ दो हज़ार तेईस में है तो देखो दोस्तों प्रॉफिट अच्छा कर रही है टोटल एसेट भी बढ़ रही है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है सब कुछ अच्छा हो रहा है पिछले तीन सालों से पर हमने सबसे पहले आपको यही बात बताई कि आईपीओ दूसरी बार आ रहा है यानी कि 2021 में भी आईपीओ आया था तो कोई भी कंपनी होती है वो आईपीओ लाने से पहले अपनी फाइनेंशियल को अच्छा करती है यानी कि प्रॉफिट को दिखाती है उसके पहले का आप अगर प्रॉफिट देखो तो थोड़ा सा कम दिखेगा आपको जैसे आई पी वाले होते हैं कोई भी कंपनी हो हम भी हो या कोई भी कंपनी हो हम खुद को अच्छा ही बताते हैं कोई बात नहीं चलो ठीक है अब बात कर लेते हैं आर ओ सी की बात कर लेते हैं तो आर ओ सी है ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन्टी पॉइंट नाइन्टी फाइव परसेंट के करीब अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो उन्नीस पॉइंट तिरसठ परसेंट है अर्निंग पर शेयर की बात करें तो टेन पॉइंट सिक्सटी फाइव परसेंट है आईपीओ से पहले वहीं आईपीओ के बाद की बात करें तो वो हो जाती है घट के छः पॉइंट तिरपन परसेंट के करीब अब पी की बात करें यहाँ पे नहीं दिया है पर हम पी निकाल के देते हैं आपको जैसे कि प्रॉफिट और वगैरह सब देख के तो इसका पी है आई से पहले थर्टी और एट आई के बाद हो जाता है सिक्सटी एक क्यों होता है क्योंकि ये आई है ऑफर फॉर सेल का इसलिए इसका बेनिफिट सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास चले जाएगा कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों यही एक नेगेटिव पॉइंट है अब देखो हम प्रमोटर आपको दिखा देते हैं तो प्रमोटर है आईपीओ के पहले सिक्सटी सेवन पॉइंट फिफ्टी फाइव परसेंट होल्डिंग प्रमोटर के पास है जैसे ही आईपीओ पी इश्यू होगा 45.75 परसेंट आ जाएगा यानी कि ये जो बीच का गैप है 67 परसेंट के से फोर्टी फाइव परसेंट तक तो ये सब प्रमोटर निकल रहे हैं कंपनी की नेगेटिव बात ये है कि इनमें से प्रमोटर निकल रहे हैं तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छा है आप अप्लाई कर सकते हो प्रॉफ़िट भी अच्छा है नेटवर्थ भी अच्छी है इनकी और एसेट अच्छी है रेवेन्यू भी अच्छी है सब कुछ अच्छा है आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो पर इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इनके प्रमोटर आईपीओ में से निकल रहे हैं आईपीओ के जरिए ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में